पता बता जाए। जी मैं डॉक्टर आदर्श बोल रहा हूँ, सीनियर सिटीजन क्लब की ओर से। आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। महात्मा गांधी जी ने हमारे देश के लिए जो त्याग किया, जो मार्ग दिखाया, वह हमारे सबके लिए सदा अनुसरणीय रहेगा। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में जिस चीज़ को भी अच्छा समझा, जहाँ से भी अच्छा समझा, उसको पहले अपनाया, फिर हम सबको बताया। महात्मा गांधी जी का कृतित्व बहुत ही अधिक समृद्ध है और पूरा संसार आज उनके पुस्तकों को पढ़कर, उनकी दिशाओं को अनुसरण करते हुए उन्नति की ओर बढ़ रहा है। हमारा देश सदा उनका कृतज्ञ रहेगा और हम ईश्वर की कृपा से सदा ऐसे महापुरुष को याद करते रहेंगे जिन्होंने हमारे देश को इतना आगे ले जाने में अपने प्राणों की भी आहुति दी। मैं सीनियर सिटीजंस क्लब का प्रेसिडेंट महादीप सिंह हूँ। जैसे आज के फंक्शन में जो मेन फंक्शन था हमारा, वो 30 जनवरी जो महात्मा गांधी जी को डेथ नर्सी पे जो श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं उसी का प्रोग्राम था, जिसके बारे में डिटेल डॉक्टर आदर्श जी ने, हमारे जो चेयरमैन ने दी है। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा आप मीडिया के लोगों के ज़रिए कि हमने देखा कि पिछले दिनों कोरोना पैंडेमिक जब से हमारे भारत में आया हुआ है, हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत और उधमपुर प्रॉपर सिटी से भी बहुत से ऐसे लोग जो कोरोना के शिकार हुए, जिनकी डेड बॉडीज भी लोगों को अपने घर भी लाकर दाह संस्कार के लिए ले जाना जो नहीं मिल पाया, तो ऐसे बहुत से जो लोग थे जो उनके घरों में भी नहीं जा पाए अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए, अपना जो है सिलसिला जितना होता था वो सारा कोरोना के कारण रह गया। ऐसे ही जो कोरोना के दौरान जिन लोगों की जो डेथ हुई है, उन सब के श्रद्धांजलि के लिए हमने 2 फरवरी 2021 5:30 बजे देविका घाट उधमपुर, मैं रिपीट करना चाहूँगा, 2 फरवरी 2021 देविका घाट उधमपुर में सीनियर सिटीजन्स क्लब ने इन ऐसे सब लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि समारोह रखा है। और तमाम उधमपुर वासियों से, सोशल एक्टिविस्ट, तमाम जितने भी अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी लोग हैं, ऐसे लोग जो दिली तौर पर ऐसे जो कोरोना के शिकार हुए उनके घरों में अपनी सहानुभूति प्रकट करने नहीं पाए, सबसे हमारा निवेदन रहेगा कि वो जैसे हमारे जो टाइम हमने बताया 5:30 बजे 2 फरवरी को देवका घाट में जमा हो, आकर अपने जो श्रद्धा सुमन हैं उनको अर्पित करें, उनकी याद में एक जो दिया जलाने का हमने कार्यक्रम रखा हुआ है। थैंक यू सर।